है, मैं क्वाड्रिलियन पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल से बताता हूँ। जनरली बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यार, जैसे कमेंट भी आती है कि यार, डेट ऑफ बर्थ से हमको मेरी शादी कब होगी या उनकी शादी कब होगी ये बताने के लिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डेट ऑफ बर्थ से, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पॉसिबल है कि डेट ऑफ बर्थ से आपकी शादी कब होगी ये मालूम करने का। कभी नहीं पॉसिबल है तो उसका रीज़न क्या है और उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए बताने के लिए कि डेट ऑफ बर्थ और शादी के लिए शादी कब होगी जानकारी के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए रहेगी। तो सबसे पहले जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यार, अधिकतर तो लोग हमको मेल करते हैं कमेंट करते हैं कि यार, डेट ऑफ बर्थ है तो मेरी शादी कब होगी, ऐसा लिखा हुआ आता है हमारे इसमें। तो डेट ऑफ बर्थ से शादी मालूम करना करीब करीब बहुत ही मुश्किल है। आप अंदाज ही नहीं लगा सकते डेट ऑफ बर्थ से, ना ऐसा कोई बहुत ही, या तो किसी को भी साइकिक पावर भी होती तो फोटो वगैरह देखता है तो फोटो देख के मालूम कर सकता है कि शादी कब होगी। लेकिन डेट ऑफ बर्थ से शादी मालूम करना बोले तो किसी की भी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है, तो उसको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलते ना। डेट ऑफ बर्थ से क्या हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया हजार लोगों की, अभी एक ही दिन में हजार लोग रोज पैदा होते हैं, तो जनरल कॉमन सेंस भी आप देखेंगे कि तो एक ही दिन में हजार लोग पैदा होते हैं, हजार लोगों की शादी एक ही दिन में होगी क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉमन सेंस के हिसाब से भी ऐसा है। और इवन आप देखेंगे कि एक ही ट्विंस वगैरह भी पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो आप देखेंगे जुड़वा होते हैं, तीन बच्चे पैदा होते हैं, चार बच्चे पैदा होते हैं, तो उनकी तो डेट ऑफ बर्थ कुंडली करीब करीब सेम रहती है, तो उनकी शादी सेम नहीं होती है, एक ही दिन में नहीं होती है ना, एक ही टाइम में नहीं होती है। आपने कभी देखा कि यार, जुड़वा की शादी एक साथ हुई है? ऐसा बहुत कम होगा, लव अरेंज होगा, ऐसा कुछ उनने सेटिंग करके रखी होगी। तो जनरली उनकी भी शादी एक साथ एक ही दिन में नहीं होती है। तो अभी हजार लोग, इवन मैंने देखा है कि एक ही डेट ऑफ बर्थ है, सेम डेट ऑफ बर्थ सेम टाइमिंग ने, एक ही डेट ऑफ बर्थ है, उसमें भी लोगों की शादियां में पाँच पाँच छः छः सात सात साल का फर्क आया हुआ है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ से शादी का मालूम करना, कोई बताता तो उल्लू बना रहा है, सीधी बात है। दूसरा, अभी सपोज को आपको क्या चाहिए रहता है शादी के लिए, शादी के लिए जनरली क्या हाथ की ये हाथ है, जैसे आदमी हो तो राइट हैंड के ये इधर के फोटो चाहिए रहता हमको, इसमें राइट हैंड का लिटिल फिंगर या छोटी उंगली के यहाँ का इस साइड का फोटो चाहिए रहता, वो गर्ल्स होगा तो इस साइड का फोटो चाहिए होता है उनका, तो वो और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हमको बर्थ की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, जन्म जन्म की तारीख क्या है, उसका समय क्या है, वो कहाँ पर पैदा हुआ है, वो एक्यूरेट चाहिए होता है। जितना एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा उतना हम जल्दी से अच्छे से बता सकते हैं कि उसकी शादी क्या है, उसका पूरा कैलकुलेशन होता है कि ऐसा नहीं किया कुछ भी हो गया। तो उसमें अपने को देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह कहाँ है, किसकी क्या दृष्टि है, किसकी क्या है अंतरदशा, उन्हें सब चीज़ देखनी पड़ती है, उसके बाद डिसाइड वगैरह होता है। तो आप चाहे तो आप भी है ना हमको मेल वगैरह कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि आपकी शादी वगैरह कब होगी। तो आप नीचे मेल आईडी दे के रखा, उसमें आप पूछ सकते हैं कि शादी वगैरह कमेंट वगैरह मैं दे सकते, तो हम बताएंगे आपकी शादी कब होगी, तो आप पूरा डिटेल भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ज्योतिष के बारे में भी अपडेट देते रहते तो आपको भी अच्छा रहेगा। बेल आइकन को क्लिक कीजिए तो हमारा जो भी वीडियोज आपको आते रहेंगे, और कभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।